बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से SEO क्वेक नामी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके किसी भी ब्लॉग या किसी भी साइट के इंटरनल पेजेस की रैंक इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में व्यूअर्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अगर किसी एक स्पेसिफिक निच पर, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अपनी वेबसाइट को जो है ये ब्लॉग को सर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन ब्लॉग को सर्च करें जो हमारे निच से रिलेटेड है, हमारी वेबसाइट जिसकी हमने SEO करनी है उसके टॉपिक से रिलेटेड हम ब्लॉग्स को ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यूअर्स एक बेहतरीन टूल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वेब पे, वो है technoracy.com। व्यूअर्स, technoracy.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें इटसेल्फ अपने कंटेंट्स में है लेकिन ये साथ साथ ब्लॉग्स के सर्च इंजन का काम भी करती है। तो व्यूअर्स, मैं पोस्ट्स को भी सर्च कर सकता हूँ, मैं ब्लॉग्स को भी सर्च कर सकता हूँ, मुझे सर्च करना है ब्लॉग्स में। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे अपने निच डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रिंटर की साइट को ऑप्टिमाइज करूँ, या फिर लेट से हम उसी एग्जाम्पल को लेकर आगे चलते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की वेबसाइट को जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ब्लॉग्स की ज़रूरत है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ पोस्ट मौजूद हों। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और फिर मैं इसे सर्च करता हूँ। व्यूअर्स, एक्चुअली ये करता क्या है, ये ऐसे तमाम ब्लॉग्स को लिस्ट कर देता है जिनमें इसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड पोस्ट नज़र आएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात बता दूँ कि श्योरिटी नहीं है इस बात की कोई भी कि जो ब्लॉग्स की लिस्ट ये technoracy.com हमें देगी, इन तमाम जो ब्लॉग्स के ऊपर जाके हम कमेंट्स इंसर्ट कर सकेंगे, ज़्यादातर जो हमारे ब्लॉग्स हैं उन पर कमेंट्स का ऑप्शन मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉग्स हमें मिलते हैं व्यूअर्स, वो हमारे रिलेटेड तो होते हैं हमारी खास निच से, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर उसमें कमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं होते, बल्कि मॉडरेट होने के बाद यानी साइट का ओनर उन्हें एक्सेप्ट करता है, फिर वो हमारी जो है वो कमेंट्स वहाँ पर नज़र आने लगते हैं। बिकॉज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो वेबसाइट उसने हमें या ब्लॉग दिखाया है वो है electricalknowhow.com। इसी तरह से व्यूवर्स, आप देखिए कि काफ़ी सारे रिजल्ट्स जनरेट कर दिए हैं इस वेबसाइट ने हमारे लिए, और इनके बॉटम पे पेज नंबर्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, यानी इस एक टॉपिक से रिलेटेड तकरीबन 30 से 35 के करीब ब्लॉग्स जो हैं वो हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें से किसी एक ब्लॉग को जो है मैं यहाँ पे इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ या इसे राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब के ऑप्शन की मदद से नए टैब में व्यूअर्स में ओपन कर लेता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं अपने कमेंट्स को इंसर्ट कर सकूँ। व्यूअर्स, जब तक ये पेज लोड होता है मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। ये ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप ऑटो अप्रूव्ड ब्लॉग्स जो हैं उनको ढूंढ सकते हैं। ऑटो अप्रूव्ड ब्लॉग्स ऐसे ब्लॉग्स हैं व्यूअर्स जो कि डायरेक्टली आपके कमेंट को इंसर्ट करने के ऑप्शन देते हैं, लेकिन इनमें से हम ऐसे ब्लॉग्स को ढूंढेंगे एक्चुअली जिन पर हमें पहले रजिस्टर होना पड़ता है। व्यूअर्स, दरअसल जो आप ज़्यादातर वेबसाइट्स बन रही हैं वो तीन मेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बन रही हैं। व्यूअर्स, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं। इस वक्त तकरीबन पूरी वेब का 15% यानी 15% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। व्यूअर्स, इसी तरह से ड्रूपल और जूमला के ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं। व्यूअर्स, जो ड्रूपल है, ड्रूपल में आप जब अपना कोई कमेंट्स का ऑप्शन रखते हैं तो उसमें एक खास टेक्स्ट जो है वो पेज के ऊपर आता है, उस टेक्स्ट की मदद से एक्चुअली हम ऐसी साइट्स को ढूंढ पर हम रजिस्टर होने के बाद कमेंट्स इंसर्ट कर सकें। व्यूअर्स, रजिस्टर होकर कमेंट्स किस तरह से इंसर्ट करना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं सर्च करना सिखा रहा हूँ आपको वो ब्लॉग्स जो कि ऑटो अप्रूव्ड है। यहाँ एक नेक्स्ट पेज के टैब के ऊपर मैंने एक गूगल का जो है ओपन किया हुआ है वेब पेज। व्यूअर्स, देखिए, रजिस्टर और लॉग इन टू पोस्ट कमेंट्स, ये एक्चुअली वो टेक्स्ट है जो कि ड्रूपल की उन वेबसाइट्स के ऊपर हमें उन हर उस वेब पेज पर नज़र आता है जहाँ पे वो हमें कमेंट इंसर्ट करने की इजाज़त देता है। व्यूअर्स, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर पेज के अंदर बॉडी के अंदर नज़र आए उसके, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑल इन टेक्स्ट और कॉलन। व्यूअर्स, जब ऑल इन टेक्स्ट और कॉलन का इस्तेमाल करके हम कुछ सर्च करते हैं तो गूगल इस फ्रेज को, इस पूरे सेंटेंस को सर्च करेगा उन वेब पेजेस के अंदर जहां पर ये पूरा सेंटेंस बॉडी के अंदर, टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, ना कि टाइटल के अंदर या मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो व्यूअर्स, ऑल इन टेक्स्ट लिखकर मैंने रजिस्टर और लॉग इन पोस्ट कमेंट किया और सर्च किया, तो देखिए व्यूअर्स, हमारे पास तकरीबन 26,80,000 के करीब जो है वो रिजल्ट आ गए हैं, डिफरेंट पेजेस आ गए हैं। इनमें से अगर हम किसी भी पेज पर चले जाएँ व्यूअर्स, तो आपको ये देखकर हैरत होगी कि वहाँ पर
कमेंट्स का ऑप्शन मौजूद होगा। मसलन मैं पहला जो लिंक है इसे ओपन करता हूँ। मैंने इस लिंक को ओपन किया और यहाँ पर एक पोस्ट है एक्सपायर्ड प्योर डिस्क बैकअप्स, और इसमें अगर आप व्यूअर देखिए कि यहाँ पे कमेंट्स डले हुए हैं। यहाँ पे एक यूज़र ने अपने कमेंट्स डाले हुए हैं जिसकी पिक्चर भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम बॉटम पे जाएं व्यूअर्स बिल्कुल एंड पे, तो देखिए वुड यू लाइक टू रिप्लाई, लॉग इन और रजिस्टर टू पोस्ट योर कमेंट, ये टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद था। यही वजह है कि गूगल ने इसे सर्च किया इस पेज को और हमारे रिजल्ट के तौर पर हमें दिखाया। तो चांस यही है ज़्यादा कि अगर हम इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाते हैं तो हम यहाँ पर अपना कमेंट जो है वो डाल देंगे और वो कमेंट फौरी तौर पर अप्रूव भी हो जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरह से हम उन वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं जो कि रजिस्टर होने के बाद कमेंटिंग का ऑप्शन हमें देती हैं और फौरी तौर पर हमारा कमेंट अप्रूव हो सकता है। व्यूअर्स यहाँ पर वो जो ब्लॉग हमने एक सर्च आउट किया था टेक्नोरेथी की मदद से, वो पेज ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट जो हैं पोस्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स यहाँ पे ये डिफरेंट पोस्ट्स हैं हमारे पास इस एक ब्लॉग के अंदर, और हम इनमें से किसी एक पोस्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पोस्ट के ऊपर जाके हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कमेंट है वो इंसर्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ व्यूअर्स कि कमेंटिंग करना इतना आसान काम नहीं है। ज़्यादातर सिचुएशंस के अंदर आप अगर 10 वेबसाइट्स खोलते हैं तो शायद 2 या 3 वेबसाइट्स ऐसी होंगी जहाँ पे आप जो है अपने कमेंट्स आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते होंगे, अदरवाइज़ आपको काफ़ी कोशिश करना पड़ती है। तो मैंने इन तमाम जो हमारे पास पोस्ट थी इस ब्लॉग के अंदर, उसमें से एक पोस्ट को ओपन किया, हीटिंग इंस्टॉलेशन इन के क्लाइंट, और व्यूवर्स हम एंड पर जाके देखते हैं क्योंकि कमेंटिंग का ऑप्शन जो है वो बॉटम पे होता है। व्यूवर्स देखिए यहाँ पर कमेंट्स आर क्लोज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस पोस्ट के ऊपर हमें कमेंट करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन व्यूवर्स आपने घबराना नहीं है, आपको ढूंढते रहने हैं ऐसे ब्लॉग्स जो कि आपके निच से रिलेटेड हों, क्योंकि अगर SEO इतना ही आसान काम होता या ब्लॉग कमेंटिंग इस कदर ही आसान होती तो हर दूसरा शख्स ब्लॉग कमेंटिंग करके ओडेस के ऊपर जाके पैसे कमा रहा होता, क्योंकि लिंक बिल्डिंग के अंदर ब्लॉग कमेंटिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमने हिम्मत नहीं हारनी और हमने ढूंढते रहने हैं ऐसे ब्लॉग्स। व्यूअर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से हम कमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक ह्यूज लिस्ट है ऐसे ब्लॉग्स की जहाँ पे मैं कमेंटिंग करता हूँ या मैं हम आप भी कमेंटिंग कर सकते हैं, और अगर आप ये ट्रेनिंग परचेज करेंगे तो यकीनन आपको पूरी लिस्ट भी आपको उनके साथ मिलेगी जिसमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स या वेब पेजेस हैं जिन पर हम कमेंटिंग कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स हम एक्चुअली कमेंट इंसर्ट करके देखेंगे कि किस तरह से हम कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं।